यह पूरी खबर कोटपुतली राजस्थान से। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी सफल अभियान के बाद पुलिस प्रशासन ने मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी द्वारा ही आज से चार दिन पहले शुरुआत की अभियान। लेकिन जिस तरह से गांव में ग्रामीणों को जो सहयोग मिल रहा है वो शहर से मिलता नजर नहीं आ रहा है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर ही वाह वही लूटने का अलावा धरातल पर जीरो काम है। इसलिए शहर में जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद और जागरूक लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन आपको बता दें कि कई बार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे, जिसको लेकर फिर से पुलिस प्रशासन कमाल संभालती हुई नजर आ रही। वहीं बता दें कि एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया। गली और मोहल्ले में भीड़ रहने वाले लोगों को सख्त हिदायतें दी गई। उन्हें समझाया भी गया कि एक कॉलोनी का सर्वकरण की दुकान खुली हुई थी। वहीं बता दें कि नगर पालिका ने दुकानों को सील कर दिया। इधर पुलिस प्रशासन का कहना है, कोरोना महामारी को कमजोरी से ना समझे, सरकार की गाइडलाइन का पालन करे। पहले की न्यूज शनि की खास रिपोर्ट। शादियाँ कैंसिल हुई है और शादियाँ हो रही है उनमें भी भीड़ नहीं हो रही है। इन सब के कारण कोरोना में जो केसेज है वो काफ़ी कम हो रहे हैं और धीरे धीरे जिस तरह जागरूकता फैल रही है और हमारी शक्ति और हमारा विश्वास और आम जन जिस तरह साथ मिलके काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम इस कोरोना की जंग को जीत रहे हैं। नए नए नवाचार किए जा रहे हैं, जैसे गाड़ी छोड़ के आप साइकिल पे गश्त कर रहे हैं, तो क्या रीज़न है? ये एक शहर के अंदर छोटी गलियों के अंदर कई बार जाना मुश्किल होता है, तो एक प्रेरणा के तौर पे कि जो यहाँ पे टीमें बनी हुई है, पार्षदगण हैं और जो आम जन है वो इसके अंदर अपनी मदद करें, इसी को संदेश देने के लिए हमने साइकिल पे भी फ्लैग मार्च किया था और उसके बाद में कुछ पार्षदों ने और टीमों ने साइकिल पे रैली भी निकाली है, मोटरसाइकिल रैली निकाली है और सभी लोग बड़े जोश से काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम इस कोरोना की जंग को जीतेंगे। थैंक यू। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।